अस्सलाम वालेकुम, मैं मुकैफ अहमद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कतर में फ़ोटो निकलवाने का कितना पड़ता है और इंडिया से कंपेयर करूंगा कि अगर हम इंडिया में फ़ोटो खिंचवाएं और निकलवाएं तो कितनी कॉपियां मिलती हैं, क्या रेट रहता है, और इंडिया और कतर में कितनी कॉपियां मिलती हैं और क्या रेट रहता है। तो फिर इस वीडियो की शुरुआत इस इंट्रोडक्शन से थी, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, आप देखें। तो भैया फ़ोटोज़ मैंने ले ली हैं, देख सकते हैं ये उनका कार्ड है और ये फ़ोटो है। तो 25 रियाल की मुझे 8 कॉपी मिली है, 25 रियाल में 8 कॉपियाँ, सोचने वाली बात है कितनी महंगाई है। आप तो खैर, आप ये स्टूडियो देख सकते हैं, उसका लोगो है पीछे से कुछ, और ये स्टूडियो अंदर नहीं बनाए, मैंने सोचा कि बुरा वुरा ना मान जाए। और थोड़ा सुबह सुबह उठ के मैं गया भी हूँ क्योंकि 1 बजे यहाँ पे ये बंद हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल से मैं 10 बजे उठाऊँ और फिर गया हूँ यहाँ पे। उठने में काफ़ी देरी कर देता हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उठूँ। तो अब इस चैनल पे हर वीडियोस आपको ऐसी आएंगी जिसमें मैं आपको कतर की हर चीज़ के बारे में बताऊँगा, कितने की है, कितने में पड़ती है, क्या क्या सिस्टम होता है। तो फिर फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं चाय पीने और खोज रहे हैं वो दुकान कहाँ है, मिलते हैं बाद में। तो हुआ ये है कि मैं घर की तरफ वापस जा रहा था फ़ोटोज़ लेके, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे एक पास में बंगाली रेस्टोरेंट है, वहाँ पे पूरे कतर में जहाँ मैंने पी है उससे सबसे बेहतर चाय वहीं मिलती है, मलाई मार के 1 रियाल में ज़बरदस्त किस्म की चाय बंदा देता है, तो वो इंडिया की याद ताज़ा हो जाती है। तो वही मैं होटल खोजने आया हूँ। आप वहाँ सामने देख सकते हैं वो जो मकान दिख रहा है, मतलब बिल्डिंग दिख रही है, उसमें वेंटिलेशन के लिए कितनी ज़बरदस्त खिड़कियाँ लगाई गई हैं। तो ये जो आप सामने बॉक्स टाइप का देख रहे हैं, ये कोई बॉक्स नहीं है, ये कतर में मेट्रो बस स्टेशन बनाए गए हैं जगह जगह पर, और फिलहाल ये अभी यूज़ में नहीं है, इसको यूज़ में लाया जाएगा, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो भैया देखिए, सीन ये है कि जो इंट्रोडक्शन मैं दिया था वो मैं अभी भी जस्ट बैठा हुआ था और इंट्रोडक्शन दिया हूँ, तो जो वीडियो आप देख रहे होंगे अब, ये जो रास्ते रास्ते की मैं दिखाया हूँ, चीज़ों की दिखाया हूँ, तो वो मैंने सुबह ही शूट कर ली थी। सुबह क्या, जब मैं घर से निकला तो शूट कर लिया, बोल नहीं पाया क्योंकि हलक थोड़ी बैठी हुई थी, सुबह सुबह सो के उठा था, कुछ खाया पिया भी नहीं था, सीधे मैं निकल गया। और फिर जब फ़ोटो वगैरह ले लिया हूँ, फिर आके यहाँ बैठा हूँ चाय वाय पी के, तो तब थोड़ा जान में जान आई है और अब बातें निकल रही हैं, तो इसीलिए उस वीडियो में मैं कुछ बीच बीच में बता नहीं पाया हूँ, बोल नहीं पाया हूँ। तो अब बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि इंडिया में क्या रेट है फ़ोटो निकलवाने का और कतर में क्या रेट है। तो कतर का रेट आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन डिटेल में बताता हूँ। तो मैं गया फ़ोटो स्टूडियो पे यहाँ पे, और उन्होंने मुझे जो निकाल के दी वो 25 रियाल में 8 कॉपियाँ दी हैं, 25 रियाल में 8 कॉपियाँ। तो अगर बात करें 25 रियाल का, तो करीब 550 रुपये पड़ा, 550 रुपये में 8 कॉपियाँ मिली हैं मुझे इंडियन 550 रुपये में। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो 20 रुपये में 4 कॉपियाँ मिल जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं डिफरेंस, 20 में 4, मान लीजिए 40 में 8, कहाँ 40 में 8, कहाँ 550 रुपये में 8। भाई अमीर मुल्क तो है, लेकिन हम पे भी गौर करना चाहिए लोगों को, अगर शक्ल देख के बताना चाहिए रेट यार, और ये सबके लिए एक ही रेट है, क्या कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ गई, कौन सा ये सब रोज़ रोज़ होता है, कभी कदार ज़रूरत पड़ जाती है। मैं भूल गया था इंडिया से लाना, तो जिसकी 550 रुपये की चपत लगी है, खैर कोई बात नहीं। तो अब जो वीडियो आएगी वो ऐसी ही आएगी, मैं आपको रेट बताता रहूँगा हर चीज़ों के। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है गैस सिलेंडर पर, कि कतर में गैस सिलेंडर कितने का मिलता है और महीना चल जाता है कि नहीं चल जाता है। तो यही सब है, फिर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, बाबा, अस्सलाम वालेकुम।